नमस्ते, स्वागत है आपका श्रेष्ठ किचन में। हेलो एंड वेलकम टू श्रेष्ठ किचन। आज मैं बना रही हूँ मलाई चिकन। मलाई चिकन के नाम से ही हम थोड़े सहम से जाते हैं कि ये तो बहुत रिच होगा, इसमें बहुत सारी मलाई होगी, बटर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मलाई चिकन मैंने बिना मलाई के बनाने की कोशिश की है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में मैंने इसको बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज लगता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे प्योर घी डाला है, और साथ में डाला है लौंग, इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सब के चटक जाने के बाद इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस। इसमें मैंने बिल्कुल भी प्याज नहीं डाला है, ना ही चिकन पीसेस को मैरिनेट करना है। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है ये। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन पीसेस लिए हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और कवर कर करके इसको धीरे धीरे कुक करते जाएंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये मलाई चिकन बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसमें न मैरिनेशन करना है, न चिकन को अलग से पकाना है, साथ साथ पकता जाता है और बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी लाजवाब बनता है। लिया है यहाँ पे 1 कप फुल क्रीम मिल्क है, यही सिर्फ मैं डाल रही हूँ, इसके अलावा मलाई के रूप में कुछ भी नहीं डालूंगी, और टेस्ट बहुत बढ़िया होता है इसका। डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है बादाम, 1/4 कप बादाम लिया है, उसको अच्छी तरह से पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। निकाल लिया मैंने, और ये देखिए उबलते हुए चिकन के पीसेस में ये बादाम डाल देंगे। इस बादाम से ये थोड़ा रिच हो जाएगा, इसका जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छी तरह से चला देंगे और कवर कर करके इसको पकाना है। साथ में मैं दूसरे पैन में तड़का तैयार कर ले रही हूँ। तड़के में 1 चम्मच घी लिया है और लाल मिर्ची पाउडर। तड़का तैयार करके रख लेते हैं और दबा दबा के देख लेते हैं। चिकन के पीसेस जैसे ही पक जाएंगे, इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो गई है। ढक ढक के इसको पकाते जाएंगे। और अब डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने के लिए पहले इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें तवे पे, और फिर इसको हथेली से थोड़ा सा क्रश करके फिर डालें। कसूरी मेथी को ज़रूर डालें, इसको स्किप ना करें। और इस तरह से क्रश करके डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी निकल के आती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। और अब ये जो तड़का हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे और ये मलाई चिकन बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम लगता है, और बहुत ही सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।